देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी गौतम अडानी पर। गौतम अडानी की जोरदार वापसी हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले उनकी संपत्ति 10 लाख करोड़ थी, लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उनकी संपत्ति गिरकर आधी हो गई, यानी 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अच्छा कमबैक किया है और मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दौलत के मामले में वो एक बार फिर से देश के नंबर 1 अरबपति बन चुके हैं। तो आज बात गौतम अडानी के ऊपर और शो के आखिर में आप सभी के सवाल लेंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में तेल के खेल को समझा था उस पर जो आपके सवाल आए थे वो भी लेंगे। और सब पे बातचीत करने के लिए और आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है तक्स चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में हमने जोरदार तेजी देखी, तो हम क्या मान लें कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने ट्वीट किया था सत्यमेव जयते, यानी उनका कहना था कि सच की जीत हुई, लेकिन इस फैसला आने के बाद, और इस फैसले को मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा है, तो इसके बाद में अगर आप ये कहेंगे कि गौतम अडानी या उनकी कंपनियों को क्लीन चिट मिल गई है, तो ऐसा कोई साफ साफ तौर पे परोक्ष रूप से नहीं लगता है। और यही बात हिंदू में भी एक लेख छपा जिसका लिंक हमने दिया है, तो कहा यह गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर किसी को क्लीन चिट मिली है तो वो मिली है सेबी को। सेबी क्या है? जो शेयर बाजार को रेगुलेट करता है या उसके कामकाज की जो देखरेख करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको क्लीन चिट मिली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग क्या की गई थी? मांग ये की गई थी कि ये जो अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगे थे उनकी जांच आप सीबीआई या एसआईटी को दे दीजिए और कोर्ट इसकी देखरेख करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, सेबी अपने आप में सक्षम है अपनी जांच करने में और हम उसी से जांच कराते हैं। तो ये फैसले में कहीं नहीं कहा गया कि भाई अडानी को ये हमने क्लीन चिट दे दी है। जो अडानी की जांच करने वाली एजेंसी है उसको क्लीन चिट दी गई है, और चूंकि उसकी जांच 24 में से 22 मामलों में पूरी हो चुकी है, तो शेयर बाजार ने भी यही समझा कि भाई अडानी को क्लीन चिट मिल गई है। और आप ये कह सकते हैं कि क्लीन चिट मिले या ना मिले, अडानी के लिए राहत जरूर यह है, क्योंकि अडानी की जो जांच है अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद में, सेबी के अलावा और कोई एजेंसी नहीं करेगी, इतनी बात स्पष्ट हो गई है। जी सर, लेकिन सर सभी के मन में वो सवाल है कि आखिर वो दो कौन से मामले हैं जहां पेच फंस रहा है? तो जो दो मामले हैं उनमें एक मामला सीधे अडानी के साथ जुड़ा हुआ है, और यही एक कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अडानी को क्लीन चिट नहीं है। देखिए, अडानी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई थी तो ये आरोप लगाया गया था, या हिंडनबर्ग का भी यही आरोप था कि 1957 का एक कानून है जिसमें अगर आप कंपनी को पब्लिक में लिस्ट करते हैं, मतलब शेयर बाजार में जब आप लिस्ट करते हैं, तो उसमें आपकी हिस्सेदारी, मतलब जो प्रमोटर है, अगर मैं कंपनी का प्रमोटर हूं तो मेरी हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं हो सकती है। 25% मुझे जो है पब्लिक के पास होना पड़ता है, तभी उसको पब्लिक इशू कहा जाता है। तो आरोप ये लगा था हिंडनबर्ग में, और भी अन्य जो मीडिया रिपोर्ट्स आई फाइनेंशियल टाइम्स की, या कि अडानी की शेल कंपनियों के जरिए उनकी हिस्सेदारी है, और ये जो शेल कंपनियां दरअसल जिसको आप हमारे सेबी ने उसको कहा है FPI, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये आरोप लगा कि भाई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश हुआ है, वो दरअसल अडानी का ही शेल कंपनीज का, ये आरोप उन पर लगा। तो सेबी ने जब जो दो मामले जो बचते हैं जिनकी जांच होना बाकी है, उनमें से एक मामला ये है कि सेबी 12 ऐसे विदेशी निवेशक है जो अडानी की कंपनियों में शेयर होल्डर है, उनका असली मालिक कौन है ये सेबी अब तक पता नहीं लगा पाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी, तो उसने भी यही कहा था कि भाई ये जो विदेशी निवेशकों की पहचान करना, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग नियम होते हैं, जैसे टैक्स हेवन्स होते हैं, तो वहां पर उससे कोई जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल है, ये हमारी मजबूरी, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि ये जो 12 निवेशक है इनका असली मालिक कौन है। तो ये पता नहीं लगने का मतलब ये नहीं है कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है। और जो दूसरा मामला था, जो दो मामले की जांच की बात कही थी, तो दूसरा मामला है शॉर्ट सेलिंग का। तो हिंडनबर्ग जो है वो एक उसकी वेल नोन पोजीशन है कि वो शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर मतलब मेरे पास शेयर नहीं है, मान लीजिए किसी कंपनी के, तो मैं फिर भी वो शेयर
जो है बाजार में उसका सौदा कर रहा हूँ, मैं कहीं से उठा ले रहा हूँ, और जब दाम गिर जाते हैं तो मैं उसको फिर खरीद के जिससे मैंने कर्ज लिया या जिससे मैंने लोन में वो शेयर लिए उनको लौटा देता हूँ, तो मुझे उसमें फायदा हो जाता है। तो हिंडनबर्ग जो एक शॉर्ट सेलर था, तो दूसरा एक और मामला जो शॉर्ट सेलिंग से क्या नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को या और किसको फायदा हुआ वो जांच करने का विषय है, लेकिन वो सीधे अडानी से संबंधित नहीं है। अडानी से जो संबंधित मामला ये था कि भाई वो जो 12 विदेशी निवेशक कौन है उनका पता लगाए, और अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने और 3 महीने का समय दिया है जांच के लिए, लेकिन जो पहले का रिकॉर्ड देखते हुए ये जांच आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। जी, वो तो वक्त ही बताएगा सर कि 3 महीने बाद क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन 24 जनवरी 2023 वो तारीख थी जब हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसके बाद गौतम अडानी की जिंदगी में भूचाल आ गया था। सर, वो हिंडनबर्ग का मामला क्या था, एक रिकैप हमारे दर्शकों के लिए। नहीं तो जो आपको अगर याद होगा श्रेया कि पिछले साल 24 जनवरी को हिंडनबर्ग का हमने कभी नाम भी नहीं सुना था पहले। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है, और उसका काम ये रहा है कि वो दुनिया भर की ऐसी कंपनियां जिसमें उसको लगता है जो पब्लिकली लिस्टेड है लेकिन उनके कामों में हेराफेरी होती है, उसकी वो एक रिपोर्ट जारी करता है, उसका पूरा रिसर्च करता है। तो उसने ये कहा था कि हमने 2 साल तक अडानी का रिसर्च किया, और उनका निष्कर्ष जो 4 अगर बिंदुओं में मुझे कहना हो तो पहला निष्कर्ष उनका ये था कि अडानी के शेयर ओवर वैल्यूड है बाय 85%, मतलब उनकी जितनी कीमत है शेयर बाजार में वो 85% ज्यादा है। और ये बात सही भी साबित हुई जब अडानी के शेयरों की कीमत जो है, जैसे आपने कहा कि 10 लाख करोड़ उनकी अपनी संपत्ति थी, वो गिर के 5 लाख करोड़ हो गई। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि उनके शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। तो पहला आरोप उसका ये था कि ये ओवर वैल्यूड शेयर है। दूसरा ये उनका आरोप था कि अडानी ग्रुप खुद ही अपने शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव करता है, हेराफेरी करता है। यहाँ ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सबको पता ही है कि भाई आप अपने शेयरों में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब अगर करना ही है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन चोरी छुपे आप किसी से खरीदवा रहे हो बेचवा रहे हो ये इलीगल है, ये मान्यता ये गलत काम होता है। तीसरा आरोप ये था कि इसके प्रमोटर जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब अपनी ही कंपनी है और इन्होंने अपने ही किसी भाई भतीजे को कोई काम दे दिया, उनसे ज्यादा उनको पैसे चुका दिए, इस तरह के आरोप है। तो जब आप पब्लिक कंपनी होते हो तो आप किसके साथ एक मतलब एक दूरी बना के रखने की जरूरत होती है जब आप उससे कारोबार करते हो, तो ये ऐसी दूरी नहीं बना के रखी, और इनके रिश्तेदारों को ही काम दिया गया, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट जहां था उनको काम दिया गया था। और जो एक आखिरी हाइलाइटेड आरोप ये था, उस समय का जो आंकड़ा था वो था कि उनके ऊपर बहुत भारी कर्ज है, मतलब ये जो पूरा एम्पायर बना है ये कर्ज पर है, और ये कर्ज जो है चुकाने में इनको दिक्कत आ सकती है, इनको 2,20,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, और बहुत ज्यादा लेवरेज है। लेवरेज मतलब आपने अपनी शेयरों की कीमत बढ़ा के अपना वैल्यूएशन बढ़ा दिया और उस आधार पर आपने कर्जा ले लिया, लेकिन अगर शेयरों की कीमत गिरेगी तो आपके पास पैसे चुकाने में मतलब लेवरेज जो लिया हुआ है वो बहुत ज्यादा लिया हुआ है, ये उसका आरोप था हिंडनबर्ग का। तो ये कुल मिला के हिंडनबर्ग की जो आपने पूछा कि क्या रिकैप था, ये हाइलाइट्स यही है। जी सर, आरोप जब लगे गौतम अडानी पर तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तो देखिए, अडानी सिर्फ बिजनेस का ही मामला नहीं रहा, उसमें पॉलिटिक्स भी होती रही है, और कांग्रेस के जो सांसद है राहुल गांधी, उन्होंने लगातार अडानी पर आरोप भी लगाए थे। लेकिन हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगी। मोटे तौर पे इनका आरोप ये था, जो हिंडनबर्ग के आरोप को उन्होंने दोहराया कि भाई इन्होंने जो अपने 75% की लिमिट है वो तोड़ दी है, इन्होंने अपने ही शेयरों की कीमत बढ़ा दी है। तो इनके जो मामले की जांच जो है वो सेबी के बजाय सीबीआई को दी जाए या किसी एसआईटी को दी जाए जो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में काम करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें पहला कदम क्या उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो रिटायर्ड जस्टिस थे अभय सप्रे, उनकी अध्यक्षता में एक 6 मेंबर की कमेटी बना दी, और इस कमेटी को कहा कि भाई आप सेबी, उनका काम कोई अडानी की जांच करना नहीं था, उनका काम यह था कि क्या सेबी के काम में कोई ढिलाई बरती गई है क्या, और भी मैंडेट थे कि भाई बाजार में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए वगैरह वगैरह, लेकिन अगर अडानी से संबंधित यही देखना था कि उसमें सेबी ने कोई ढिलाई की या नहीं की। तो कुल मिला के ये जो पिछले साल फरवरी से सुनवाई होती रही और फिर जाकर पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन इससे पहले श्रेया, हमको ये जान लेना जरूरी है कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी दलील क्या थी। तो उनकी दलील ये थी कि उनकी तरफ से प्रशांत भूषण ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो आर्ग्यूमेंट ये था उनकी तरफ से कि मैं एक मिनट अपने नोट्स जरा देख लेता हूँ इसके लिए।
तो उनका कहना यही था कि भाई ये जो अडानी ग्रुप के पास शेल कंपनीज है, जो हमारे दर्शक जानते हैं कि फर्जी कंपनी है जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वो शेल कंपनियां ही जो है उससे वो शेयरों के दाम बढ़ाते हैं। दूसरा आरोप जो बाकी पहले भी हमने जिसका जिक्र किया कि इनके 75% से ज्यादा शेयर है और ये जो जबकि प्रमोटर के शेयर जो है वो इससे कम होना चाहिए। तीसरा उन्होंने आरोप जो सेबी पर गंभीर आरोप लगाए थे, वो दो आरोप लगाए थे। वो आरोप ये थे कि जो FPI यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसके नियम सेबी ने बदल दिए। तो नियम क्या थे, पहले नियम ये थे कि अगर कोई विदेशी निवेशक है तो मैंने कहा ना कि विदेशी निवेशक तो कोई फंड कर रहा है या कोई कंपनी कर रही है, लेकिन उसके पीछे भी अगर जो चार लोग हैं मतलब चार लेयर्स अगर हैं तो वो पता लगाना मुश्किल होता था। तो बेनिफिशियर ओनर्स कौन है, जो अगर हम इसका लीगल टर्म बताएं तो सेबी ने कहा कि भाई हमने पहले जो नियम हमारा था वो ये था कि जो बेनिफिशियल ओनर आपको तभी बताना जरूरी था किसी विदेशी निवेशक को जब उसको पूछा जाए, व्हेन आस्क्ड। लेकिन जब ये इन्होंने दलील दी कि भाई ये अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए, तो सेबी ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, विदेशी निवेशकों का हमारा जो अब नया नियम है, अब आपको अपफ्रंट बताना पड़ता है, अपफ्रंट बताना पड़ता है कि आपका मतलब ओनर कौन है। मतलब मान लीजिए कि किसी एक फंड जो मॉरिशस में है उसने पैसे लगाए, लेकिन उस फंड का मालिक कोई सिंगापुर में बैठा हुआ है, सिंगापुर में जो कंपनी है उसका किसी और जगह पर उसका मालिक है, तो ये जो चेन होती है ये पता नहीं चल पाती है। और यही दिक्कत आ रही है जब अडानी के भी बारे में वो ढूंढने जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। तो सेबी ने कहा अब तो हमने नियम और टाइट कर दिए हैं। दूसरा आरोप जो था, जो रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन की हमने बात की, तो उसमें एक नियम है कि लाइबिलिटीज डिस्क्लोजर LODR मतलब लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियम, मतलब आपने अपनी कंपनी का जब लिस्ट किया तो उसके जो डिस्क्लोजर के नियम है वो आप उसको बताएं। तो उसमें एक नियम ये था जो जिसकी मांग की थी प्रशांत भूषण ने कि ये नियम भी सेबी ने बदल दिया। तो इसमें पहले नियम ये होता था कि भाई अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उनके रिश्तेदार के साथ कोई अगर उस कंपनी वो कंपनी मतलब मान लीजिए अडानी है, अडानी का कोई रिश्तेदार है, तो अगर उनके बीच में कोई कारोबार हो रहा है या कोई मतलब वो अडानी की कंपनी से खरीद फरोख कर रहा है मतलब, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। या जो की मैनेजमेंट पर्सनल मतलब मान लो कंपनी का जो CFO है CEO है जिसको वो घोषित करते हैं, उनका भी कोई रिश्तेदार अगर कोई उनसे कोई सौदे करता है तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। सेबी ने जो नए नियम बनाए उसमें ये कर दिया कि 20% जिसकी कंपनी में हिस्सेदारी होगी उसी की अगर कोई ट्रांजैक्शन होंगे तभी वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। तो याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि इससे अडानी के जो ये मतलब जितने भी उनके आरोप उन पर जो लगे हैं वो छिपाने में उनको मदद मिली, मतलब FPI के जो नियम बने और जो LODR वाले जो नियम थे उससे उनको लाभ मिला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सेबी ने दलील दी तो इन दोनों आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो नियम है ये जैसे है वो वैसे ही बने रहे। ठीक है, तो सर आखिरी सवाल कि अब अडानी का होगा क्या, आगे कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, तो जो हमने शुरुआत में बात कही कि ये क्लीन चिट तो एक तरह से सेबी को मिली है लेकिन राहत मिली है अडानी को। तो अडानी की जो ये जो जांच दो मामलों की जांच बाकी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि आप 3 महीने में हमें रिपोर्ट दीजिए। अब हमको एक तो 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि सेबी ये जांच पूरी करके बताए दो मामलों की। लेकिन जो पिछली बार भी एक्सपर्ट कमेटी और अगस्त में भी जब सेबी ये जब दलील दी गई थी कि भाई ये जो पता करना कि विदेशी निवेशक का असली मालिक कौन है जी। वो पता करना, वी हैव हिट अ वॉल, मतलब अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि भाई मतलब एक दीवार है जिसको हम लांग कर पता नहीं कर सकते कि मालिक कौन है। तो 3 महीने फिर भी लंबा वक्त है, पर मुझे लगता है कि जो बात आपको एक साल में नहीं पता पड़ पाई तो 3 महीने में कैसे पता चलेगी, क्योंकि उसमें जो सेबी ने कहा था कि जो विदेशी रेगुलेटर मतलब सेबी के जो इक्विवेलेंट अलग अलग देशों के हैं उनके पास से उन्होंने जानकारी मांगी और वो जानकारी मिल नहीं रही है। तो अब अगर 3 महीने में कोई चमत्कार हो जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन इस जांच के इतर एक बात जो राहत अडानी के लिए ये है कि भाई उसकी जांच अब सेबी ही करेगा, कोई CBI या और कोई दूसरी एजेंसी नहीं करेगी। जो जो आरोप उन पर लगे, कोई नई केस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो आरोप लगे उनकी जांच सिर्फ सेबी करेगा और सेबी में जो भी भरोसा आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया है। आखिरी बात मुझे ये कहनी है कि जो लोग एक साल पहले कह रहे थे भाई अडानी डूब जाएगा, तो तब भी मैंने हिसाब किताब लिखा था और मैंने एक बात कही थी कि देखिए अडानी कोई ऐसे हवा में कारोबार नहीं कर रहा है, कोई मतलब आप इस तरह समझिए कि उनके पास पोर्ट्स हैं, उनके पास एयरपोर्ट्स हैं,
उनके पास फॉर्चून जैसा ब्रांड है, मीडिया कंपनी है, सीमेंट वो बनाते हैं, तो कुल मिला के उनके पास असेट्स है, मतलब संपत्ति है। और अगर आप देखें कि एयरपोर्ट, मतलब देश का हर चौथा जो यात्री है एयरपोर्ट का, इस समय अडानी के एयरपोर्ट से होकर गुजरता है, या लगभग इतना ही जो ट्रैफिक है हमारा जल यातायात, मतलब जो पोर्ट्स है, वो अडानी के पोर्ट्स पे देश का 20-25% कारोबार होता है, मतलब जो लैंडिंग होती है या वो चढ़ाव उतार चढ़ाव माल की ढुलाई होती है वो। तो कहने का आशय ये है कि कोई हवा में उनका कारोबार नहीं है। उनका टर्नओवर जो था वो 2,00,000 करोड़ से ज्यादा था 2022 में जो समाप्त हुआ वो, और मुनाफा भी 13,000 करोड़ था। तो ये कंपनी, उसको नेचुरली उसको कर्जा कम करने की जरूरत है, जो कि वो कम कर भी रहे हैं जब से ये रिपोर्ट आई है। तो ये कंपनी, मतलब तब जो लोगों ने कयास लगाए थे कि डूब जाएगी, और मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, तो लगभग हम वही देख रहे हैं। तो अडानी के लिए आने वाले दिन और अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, वो तो वक्त बताएगा कि अडानी के आने वाले दिन में क्या होता है। लेकिन सर, शो के आखिरी सेगमेंट में चलते हैं, और जो हमने पिछले वीक पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर चर्चा की थी, उस पर दो सवाल सर मैं लेना चाहूँगी। एक तो है प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल के दाम घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिसंबर में ही अप्रैल फूल बना दिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, अप्रैल फूल हम भी बन गए अगर आप ये कहेंगे तो, क्योंकि ये खबर जो आई थी ये पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आई थी, और ये तमाम अखबारों में, तमाम चैनलों पर ये खबर चली थी कि वो कीमतें घटा देंगे। लेकिन ये बात सही है कि उसके तुरंत बाद हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री है, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम कोई दाम नहीं घटाने जा रहे। तो जब मंत्री ने कह दिया तो मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन उसके पीछे का एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी जीडीपी की जो एस्टिमेट्स आए हैं, जो अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं, जो सरकार ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो सरकार का जो घाटा है, वो जीडीपी के अनुपात में देखा जाता है। तो सरकार का लक्ष्य था कि 5.9% रहेगा, लेकिन जो जीडीपी है वो थोड़ी 5,000-6,000 करोड़ से कम पड़ रही थी, मतलब 301,00,000 करोड़ का लक्ष्य था और होने का अनुमान है 296 करोड़। तो उसके अनुपात में अगर जब आप फिजिकल डेफिसिट, मतलब सरकार का जो घाटा अगर आप देखेंगे, तो वो 6% के आसपास पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 3 महीनों में सरकार की कोशिश ये रहे कि उसकी आमदनी बढ़े और उसके खर्चे कम हों। तो आमदनी बढ़ने का एक जरिया है पेट्रोलियम पर जो वो लोग टैक्स लेते हैं, तो वो सरकार अभी कम करने के मूड में नहीं लग रही है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है श्रेया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये कीमत नहीं बढ़ी, तो चुनाव से ठीक पहले हमें कुछ राहत की खबर मिल सकती है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है पांडे जी का, जो कि कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जोर है और इस पे मतलब तेजी से काम हो रहा है, तो इनका कहना है कि 2027 तक तेल का खेल ही खत्म हो जाएगा, हमारे हमें ये डायनासोर्स की मूवी में दिखाई देगा। नहीं, ये मतलब उनकी बात कोई गलत नहीं है, लेकिन 2027 में होगा या नहीं ये बहुत जल्दबाजी होगी जी। लेकिन ये बात सही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमारे देश में भी बिक रहे हैं, टू व्हीलर्स भी बिक रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम से चलने वाले, जैसे पेट्रोल और डीजल से, उसको अभी मुझे लगता है वक्त लगेगा। अब कितना वक्त लगेगा मैं कोई इसका भविष्य नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 15-20 सालों में पेट्रोलियम से चलने वाले जो वाहन है उनकी संख्या में भारी गिरावट आएगी। और जो लक्ष्य है वो 2030 तक का है, कि उसके बाद में जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, तो ये डायनासोर बनेगा जरूर, लेकिन 27 में बनेगा या 47 में बनेगा ये हम नहीं कह सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए और अपना समय भी देने के लिए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ हिसाब किताब में, तब तक के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।